नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार अपना एक वीडियो आपको चंबा से ऋषिकेश जो ऑल वेदर रोड है उसका बनाया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक वीडियो मैं दिखाऊंगा कि जो नरेंद्र नगर से देहरादून के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है वो कैसा है और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो लीजिए, ये वीडियो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये हम अभी रानी पोखरी जो जहाँ से एक रोड जो है नरेंद्र नगर के लिए निकलते हैं इसमें हम चल चुके हैं। ये जो है थोड़ा संकरी रोड है परंतु इसमें दो गाड़ियों को क्रॉस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये यहाँ बीच में जो है स्टार्टिंग में एक वन विभाग का पुल है और एक चुंगी है, उसको हमने पार किया और ये घने जंगलों के बीच से ये बहुत ही सुंदर रोड है। इसमें ड्राइविंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए सीधी रोड है, पूरी रोड में पेंटिंग हो रखी है, कहीं भी बड़े गड्ढे नहीं हैं। हालांकि कहीं कहीं पे संकरी रोड़े हैं परंतु इसमें ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है जहाँ पे ज़्यादातर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर शायद 50 या उससे अधिक मीटर पे एक मंदिर बना हुआ है, इससे इसको हमने क्रॉस किया है। अब हम उस घाटी में जा रहे हैं जो नरेंद्र नगर जहाँ से चंद्रभागा नदी शायद निकलती है, नीचे चंद्रभागा नदी का उद्गम जो या ऊपर कहीं नरेंद्र नगर की पहाड़ियों में होता है उस नदी वाली घाटी में हम, बहुत ही सुंदर घाटी है। इस घाटी में एक सुंदर सा गांव है जहाँ पे बहुत बढ़िया खेती होती है, बहुत ही समतल घाटी है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है बहुत मोड़ हैं, परंतु मोड़ बहुत सुंदर हैं और रोड बिल्कुल पक्की है। केवल एक दो एरिया बहुत लैंडस्लाइड वाले हैं जहाँ पे चलने में थोड़ा डर लगता है, परंतु उसे डर की कोई बात नहीं यदि मौसम साफ है। ये देखिए एक घाटी ये भी ऊपर से आ रही है। यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल एक दो गांव ही शायद इस एरिया में होंगे नरेंद्र नगर और इस के बीच। ये जो है पूरी जो है रोड 16 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर यहाँ से आगे जो नदी आएगी उस पर जो पुल बना वहाँ तक और 8 किलोमीटर उससे आगे वाली रोड। ये 8 किलोमीटर शायद जिला देहरादून का होगा और आने वाला 8 किलोमीटर टिहरी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे ये लोग टिहरी से या टिहरी गढ़वाल से देहरादून के लिए शॉर्टकट लेते हैं। ये देखिए इस गांव की मैं चर्चा कर रहा था, कितना सुंदर गांव है। यहाँ पे खेती देखिए कितनी सुंदर खेती है, लोग छोटे छोटे यहाँ पे अब रोजगार का साधन भी ढूंढ रहे हैं और इनके दुकानें जो हैं रोड के बाहर लगी हुई हैं। और इस पुल का मैं जिक्र कर रहा था जो आने वाला है। ये अभी हम 8 किलोमीटर की ड्राइविंग कर चुके हैं, गाड़ी बहुत 40 और 45 की स्पीड पर यहाँ पे चलती है। इसके नीचे जो है ये नदी है जो आगे जाके चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में बनती है। ये देखिए ये पुल है, इस पुल के पार वाला एरिया शायद नई टिहरी का होगा। और एक जो जिस लैंडस्लाइड एरिया का मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है यहाँ पे ड्राइविंग करने में, ऊपर से बहुत बड़ा एरिया जो है यहाँ पे बार बार पत्थर गिरते हैं, ये वाला एरिया। तो दोस्तों हमने ये भी क्रॉस ये कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यदि ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है उसको रुकना पड़ता है। यहाँ की मैं बात कर रहा था, ये हमने ये एरिया भी क्रॉस कर दिया है। अब इसके बाद जो है कहीं पे ज़्यादा चढ़ाई और कहीं पे कम चढ़ाई है, हालांकि ज़्यादा ही है इसमें। यहाँ पे तो ये मोड़ ऐसा है जहाँ पे जो गाड़ी जो है फर्स्ट गियर मांगती है, वो सामने ये नरेंद्र नगर वाला कुंजापुरी वाला
पहाड़ नजर आ रहा है, और अब इसके बाद एक और गांव आएगा जो तो सीधे नरेंद्र नगर के आसपास का वाला गांव है। उसके बाद हम मेन हाईवे में पहुंच जाएंगे। ये देखिए कहीं कहीं पे जो है ऊपर से हल्के पत्थर गिरते हैं, बरसात में यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत होती होगी शायद। ये बहुत ही सुंदर घाटी है ये, और ये जो हाई टेंशन जो है वायर दिख रही है ये टीरी डैम से यूपी के लिए जा रही है। ये लोग ये सब शॉर्टकट लेते हुए केवल 45 और 50 मिनट की ड्राइविंग में ये नरेंद्र नगर से रानी पोखरी पहुंच जाते हैं, जबकि हम दूसरे लाइन में यदि आएँ बाय ऋषिकेश आएँ तो लगभग एक घंटा तो लगता ही है। तो ये रूट वैसे बहुत शॉर्टकट है, परंतु यही वाला जो कहीं पे भी जो ये कच्चा पोर्शन है उसमें ड्राइविंग करने में थोड़ा डर लगता है। अब हम लगभग काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी एक सुंदर गांव है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है रोड जो है लगभग अच्छी है, और दो कारें या जीप और कार को क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि इसमें ट्रक और बस को परमिशन नहीं है, पर बाय चांस कभी कोई ट्रक या बस आ भी गई तो हमें क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत। ये देखिए दोस्तों ये सामने नरेंद्र नगर का एरिया नज़र आ रहा है, और इसमें ऑल वेदर रोड जो है सामने दिख रही है। ये देखिए जो सामने ऑल वेदर रोड दिखने लग गई है, यहाँ से अब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस रह गई है। 4 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम नरेंद्र नगर टीरी हाईवे में पहुंच जाएंगे। ऊपर टॉप में एक जल निगम का शायद एक बहुत बड़ा टैंक है जिसकी सप्लाई शायद नरेंद्र नगर कस्बे के लिए होती है। एक गांव ये है, बहुत अच्छा गांव है, इसके आसपास बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ नजर आती हैं। इस गांव को भी हम क्रॉस करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी हम नरेंद्र नगर ऋषिकेश मार्ग पे पहुंच जाएंगे। अब तक हम लगभग 35 मिनट की ड्राइविंग कर चुके हैं, और दोस्तों ये पहुंचने वाले हैं हम नरेंद्र नगर टीरी हाईवे पे, जो कि